अजय आलोक जी आपको लेकर आना चाहूंगी। सतपाल मलिक की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं वो बड़े हैं और जो आरोप इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को ही चुन चुनकर हर जगह सीबीआई और ईडी की आंखों में वही नेता चुभ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी पूछे जाएंगे शक्ति यादव जी कि सतपाल मलिक जी को इतने अगर सैनिकों से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मामला है और वो इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं तो आज जाकर इस खुलासे का उनको क्यों इंतजार करना पड़ा था? कोई तारीख इसके लिए क्यों फिक्स की गई थी? उनको इस बारे में पहले बताना चाहिए था क्योंकि ये देश के सम्मान हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ मामला था और सैनिकों से जुड़े हुए मामले में ये देश बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। ये सवाल मैं पूछूंगी शक्ति यादव जी, लेकिन अजय आलोक जी ये विपक्षी दल ही तो आंखों में ज्यादा चुभ रहे हैं ना, इसी वजह से सीबीआई ईडी हर जगह विपक्षी दलों को ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह बुला रही है। नहीं, अभी शक्ति भाई ने कहा कि व्यापम की जांच मुख्यमंत्री निवास तक पहुंची थी लेकिन ऊपर में लोग बैठे हुए थे इसलिए बच गए। मान ली मैंने बात शक्ति जी की कि शिवराज सिंह इसलिए बच गए क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। 2004 से लेकर 9 तक लालू जी खुद रेल मंत्री थे, 9 से लेकर 14 तक यूपीए का शासन था, लालू जी को 13 में सजा हुई। 4 से लेकर 14 तक लालू जी को इसका मतलब कांग्रेस ने फंसा दिया, कांग्रेस ने जेल करवा दिया, कांग्रेस ने बचाया नहीं क्योंकि ऊपर में तो कांग्रेस बैठी हुई थी। इसका मतलब तो यही ना हुआ। मुझे एक बात नहीं समझ में जवाब हम देंगे का बवाल आलोक आपको जवाब हम देंगे चित्रा जी से आप, चाहेंगे आप, साहब, एक बार उनकी बात हो जाए उनकी बात हो जाए। ठीक है बोलिए। बचाने की बात नहीं है, जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय अपना काम करता है। अगर सबूत होगी तभी सजा होगी, सबूत नहीं होगी तो आज तक किसी को सजा नहीं हुई है इस देश के स्वतंत्र इतिहास में। अब सुनिए केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी तो खुद कहते थे कि कोई घोटाला करेगा, कोई सजा करेगा, किसी पे दोष पाया जाएगा तो उसको सजा होगी। आप साहब मुख्यमंत्री हैं ना, शक्ति जी को ही पता है, विधायक रह चुके हैं, सरकार में रहे हुए हैं, एक्टिव स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं। एक सरकार की जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है ना। अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्री के ऊपर एक्ट नहीं करता है या उसको भ्रष्टाचार करने में रोकता नहीं है या भ्रष्टाचार करने पर उससे एक्शन नहीं लेता है तो यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, किसी और की होगी? अगर आज मोदी मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हुए कोई मंत्री पकड़ा गया, मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, तो जिम्मेदार मोदी जी होंगे या नहीं होंगे? सिर्फ विभाग अगर मोदी जी एक भी नहीं रखें, सारे विभाग मंत्रियों में बांट दें, बिना विभाग के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? तो केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे जब एक मंत्री उनका घोटाले में 1 साल से जेल में है, उसको मंत्री पद से तक नहीं हटाया था टिल रिसेंटली 2 महीने पहले तक। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एक साथ मंत्रिमंडल से हटे। दूसरा मंत्री जिसके पास 18 विभाग है, जैसे लगता है कि सारा कंप्यूटर ज्ञान मनीष सिसोदिया के पास ही था, और वो जेल में चला गया, 1.5 महीने से बेल नहीं मिल रही है। 26 फरवरी मुझे याद है तो 26 फरवरी वगैरह को जेल गए थे, अभी तक बेल नहीं हो रही है। कॉन्क्रीट एविडेंस है तो उसमें पूछताछ नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री से? और ये कहना कि अगर केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल ने करप्शन किया है, तो फिर दुनिया में कोई सीधा ही नहीं है, कोई मतलब बिना करप्शन के रह ही नहीं सकता है। ये आत्ममुग्धता की एक अद्भुत मिसाल। गांधी से भी तुलना कर रही है आम आदमी पार्टी। मेरे सुपर कोई है ही नहीं, मैं वही तो कह रहा। महात्मा गांधी छोड़िए ना, अहम ब्रह्मो हो गया, मैं तो ब्रह्मा जी को कह रहा हूं, ब्रह्मा जी को मात कर दिया उन्होंने। आत्ममुग्धता की इससे बड़ी हद आपने कभी देखी है कि अगर मैं बेईमान हो गया तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं बचेगा? कहां से आए हैं? हरिश्चंद्र भेज रहा था इनको। ठीक है, ओके। एक मुख्यमंत्री होके संवैधानिक पद पे बैठ के आप इस तरह से बोलेंगे? अरे आपको तो करेजियसली जाके फेस करना चाहिए। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? ठीक है, आप जाइए उसको फेस कीजिए, और अगर आप पे चार्जेस हैं तो जेल जाएंगे, क्योंकि आप ही ने कहा, किसी दूसरे ने कहा है, ये सुन लीजिए। ठीक है, हाँ। किसके शब्द है? कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। हो गया, अपने बातों पे रहिए, और ये ड्रामा पॉलिटिकल रेटोरिक्स करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुलदीप जी इसका जवाब देंगे, शक्ति यादव जी मैं फौरन आपके भी पास आऊंगी। शांतनु सेन जी हमारे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाते हुए क्योंकि सीबीआई और ईडी को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, बंदूक की नोक पर गवाहों के बयान बदले जा रहे हैं। अब सीबीआई ईडी को लेकर केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
इस पर क्या प्रतिक्रिया है शांतनु जी आपकी? इस पर अभी तो कोई प्रतिक्रिया मेरी नहीं है, जब तक वो कोर्ट में जाके नहीं कहें तब बात करेंगे जी। अभी तो दोनों तरफ से इल्जाम ही चल रहे हैं। देखिए, कोई सबूत किसी के पास नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी बेल पर हैं, बेल पर जो ऑर्डर्स होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन से, कोर्ट के फाइंडिंग से अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं है। बेल का ऑर्डर तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिखाती है एंड जो एक्यूज के पास पता नहीं है, तो सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, यहाँ की बेल के ऑर्डर्स पर भी लिखे रहते हैं ये जो मेरा ऑर्डर है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा कि क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर नहीं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा अगला सवाल ये भी है आपसे सर, क्योंकि यहां पर बकायदा 14 फोन जो सबूत के तौर पर थे उनको नष्ट कर दिए मनीष सिसोदिया ने, इस तरह के आरोप लगे, लेकिन उनमें से 5 तो सीबीआई ईडी के पास है, ये भी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाकी के जितने फोन हैं वो इस वक्त जिंदा हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, तो वो सबूत भी दे रहे हैं शांतनु सेन जी। चित्रा जी, अभी आरोप और आरोप ही चल रहे हैं। हाँ, अभी सबूत का टाइम आया नहीं। मैं सीबीआई के अफसर होते नाते सबूत पर बात करता हूँ जी। अभी आरोप पर मैं क्या बोलूं, दोनों तरफ से आरोप ही हो रहे हैं, आरोप की कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। आरोप की तफ्तीश सीबीआई अफसर, ईडी अफसर कर रहे हैं जी, उनको करने दिया जाए, ठीक है। और आरोप पर कोई अभी नतीजे पर किसी को पहुंचना ठीक नहीं है, अभी कोई नतीजा नहीं है, कौन करप्ट है कौन नहीं है करप्ट वो कौन डिसाइड करेगी, आपके पैनल में जो आए हुए हैं वो डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है, ऐसे में क्या कोई खास प्रोटोकॉल भी होता है शांतनु सेन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी। और सीबीआई अगर मुख्यमंत्री को बुला रही है पूछताछ करने के लिए, इतने बड़े ओहदे पर है वो, तो क्या कुछ सबूत सीबीआई के पास है जिसको आधार बनाकर सीबीआई ने सीधे समन जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर? आप ही कह रहे हैं कि बिना सबूत के कोई बातचीत नहीं होती, पूछताछ नहीं होती। बिल्कुल, देखिए ये नोटिस 160 सीआरपीसी पर है जी, आप 160 सीआरपीसी निकाल पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भी किसी केस के बारे में कुछ जानता है एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस उसको तफ्तीशी अफसर बुला सकता है। अगर वो 65 साल के कम उम्र है तो कहीं भी बुला सकता है, अगर 65 साल के उम्र से ज्यादा है तो सीबीआई अफसर या तफ्तीशी अफसर कोई हो उसके पास जाएगा। तो ये तो मामूली बात है। ये घोटाला, लिकर घोटाला तब हुआ जब मनीष सिसोदिया डिप्टी मिनिस्टर थे और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे जी। तो केजरीवाल जी के बिना पूछे बिना जानकार कोई कुछ हो ही नहीं सकता, तो सीबीआई को तो पूरा हक मिलता है उनसे पूछे। इसकी इस पूछताछी पर ये कहना कि सीबीआई ने उनको दोषी पा लिया, ये तो कोर्ट कहेगा। सीबीआई भी पूछताछ करे, इंतजार करिए, सीबीआई चार्जशीट डाले जी। चार्जशीट सर, एक और छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी शांतनु जी, क्या इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है कि सीबीआई की ओर से बंदूक की नोक पर गवाहों से बयान लिए गए हों या फिर बदलाए गए हों? अगर कोई उदाहरण, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और इसका सच देश के सामने आना चाहिए, लेकिन अगर इतिहास में हम झांक कर देखें क्या कभी इस तरह की परिस्थिति बनी है? चूंकि आप पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आपको इस बारे में जानकारी होगी। देखिए, सीबीआई के खिलाफ एक्विजिशन से लगे हैं, कभी मुझे पता नहीं कि सीबीआई के प्रूफ हुआ है। ये कहा जाता है कि मिसेस गांधी ने भी कहा था जब तफ्तीश हो रही थी इमरजेंसी के बाद उनके खिलाफ जो केसेस थे, जो भी पॉलिटिशियन तफ्तीश फेस करता है जी, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता है, ठीक है, पर मैं नहीं समझता कोई सीबीआई ईडी अफसर ये काम करेगा, क्योंकि इससे उसी की मुसीबत होगी। उसे तो पूछताछ करनी है और पूछताछ के लिए वो लंबे समय तक बता सकता है, लंबे समय तक खींचतान कर सकता है, पर वो बंदूक लगाएगा या कुछ ऐसा काम करेगा जिससे शारीरिक क्षति हो किसी को, वो नहीं करेगा, ठीक है।